बैराग नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और साइकिलों का वितरण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने स्कूल के मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर राज्य मंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने स्कूल में भवन निर्माण की मांग भी राज्य मंत्री से की, जिसके बाद राज्य मंत्री सभी नागरिकों के समक्ष एक भवन की जगह दो भवनों के निर्माण का उन्होंने वादा किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री के साथ तहसीलदार सुनील कुमार प्रभास, नगर परिषद अध्यक्ष मालती लक्ष्मण सिंह रावत, पुलिस प्रशासन, सेवानिवृत्त विद्यालय के समस्त शिक्षक गण व छात्राएं मौजूद थी। और बड़े बड़े कार्यक्रम थे, आपका लाल प्यार कहीं ना कहीं मेरे को रोक लेता। आज मैं यहाँ के प्राचार्यों को, सभी स्कूलों को बहुत बहुत दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने खुद का नाम रोशन तो किया, हमारे बेटे बेटियों का किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन बेटियों बेटियों को जिन्होंने अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया, साथ साथ हमारे बैराग का नाम रोशन किया, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। और बेटियां हमारा भविष्य, बेटी हमारा देश का भविष्य, बेटी हमारे प्रदेश का भविष्य, बेटी हमारा बैराग की भविष्य। मैं बेटियों की बात इसलिए कह रहा, बेटा बुरा मान रहा हूँ, जब बेटा एक घर की लाज रखता है, बेटी दो घर की लाज रखता है, इसलिए ज्यादा इसलिए बेटियों को दिया जाता है। एक हमारे यहाँ बड़ी बुरी विडंबना है, जब बेटी और जब बेटी आपका नाम रोशन करती है तो खुशियां मनाते हो। अरे बेटी हमारी भविष्य है, बेटी हमारी आन मान शान, और बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो दुनिया नहीं है, बेटी है तो देश है, बेटी है तो प्रदेश है, और बेटी है तो हम है। इसलिए मैं उनके पालकों को भी कहना चाहता हूं, बेटी की चिंता तुमको क्यों है? पुस्तक हम दे रहे हैं, साइकिल हम दे रहे हैं, ड्रेस हम दे रहे हैं, भोजन हम दे रहे हैं, और बेटी चिंता मत करो, पढ़ाई मन जब तुम डॉक्टरी करोगी, कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी करोगी तो एक रुपए से लेके 25 लाख तक की फीस भी आपका लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज मामा भरे। चिंता करने की जरूरत नहीं, दिल लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश बहुत भाग्यशाली प्रदेश है जो कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला, और धन्य उस मां के लाल को कि उसने हर वर्ग की चिंता की, बेटा बेटियों को की, ऐसा कोई वर्ग नहीं है उसकी चिंता इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। मैं आपके बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं, मैं बेलार जब जब आता हूं, हर बार आता हूं, मुझे बढ़ चढ़ के सम्मान मिलता है तो मैं भी क्षेत्र छोड़ देता हूं, बेलार चला आता हूं। और इस स्कूल में, इस कॉलेज में मेरे कई बार कार्यक्रम हुए हैं, और वाकई मुझे इन प्राचार्यों की ओर से जो लाल और प्यार मिलता है, वैसे मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में मिलता लेकिन है कुछ हटके ही मिलता। और जब भी मैं आता हूं तो मैं सोचता हूँ स्कूल जब आता हूँ कि कुछ बड़ी मांग होगी, बड़ी मांग करते होंगे, लेकिन प्राचार्यों को भी दोष नहीं, क्यों अब तक 70 साल से एमएलए से मांगते चले आए, ये पता ही नहीं कि मंत्री क्या होता। मंत्री एक वो चीज होती है कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 30 मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और बेड़ा इतना भाग्यशाली हो, और आपका ये बेटा भाई इतना भाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री विधायकों के नाम नहीं जान पाते, लेकिन मैं तो हर 8 दिनों मुख्यमंत्री के साथ बैठ के मीटिंग करता हूँ, तो सुरेश राठौड़ नहीं करता, ये बेलार का बच्चा बच्चा वहां जाके बात करता, बेलार की बात बड़ी दम से मैं रखता हूँ। और आप मेरे नेचर से जानते भली बात, मैं कहता हूं तो मैं फिर करता भी,
आपने एक छोटी सी मांग रखी है, मैं सोच रहा कुछ बड़ी मांग रखोगे। एक भवन की बात मांग रखी है, मैं आपको वादा करता हूं भवन बना के मैं आपको दूंगा। ये भवन वैसे मैं प्रयास करूंगा, 13 तारीख से हमारी विधानसभा, तो मैं सोचता हूं कि अनुपूरक बजट में इसको मैं स्वीकृत कराऊं। वो अनुपूरक में नहीं करा पाऊंगा तो मेन बजट प्रदेश में पेश होगा, उस टाइम 100% यहां की बिल्डिंग में स्वीकृत करा लूंगा। आप लोगों का जो लाल तार मिलता है और सदैव मिलता रहे, अब हमें ये सब चीजों की हम अपन क्यों मल लेते हैं, पहले विकास क्यों नहीं होता था, उसका एक कारण रहा सरकार भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा नेता ज्योतिराज सिंधिया महाराज, तो मुख्यमंत्री चोरनी नहीं आने देता था, तो कहीं से पैसा आ कोयला नाम सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी का नाम होता था तो मुख्यमंत्री जी आंख मूंछ लेते थे। अब तो भैया सेवर ज्योति साथ साथ है, कौन हमारा पैसा रोका है। और बेलार पे तो जितना प्यार मुख्यमंत्री महोदय करते हैं उससे ज्यादा इस राष्ट्र का नेता श्रीमंत महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी करते हैं। और जब ये दोनों ही करते हैं तो हमारा विकास कौन रोकेगा। अरे आपने तो एक बिल्डिंग मांगी है, मैं दो दूंगा। बेलार जो जो मांगेगी मैं आपसे वादा करता हूं 10 महीने का समय मेरे पास, फिर क्या आचार संहिता ला जाएगी। 10 महीने जो जो बेड़ार मांगेगी आपका बेटा भाई लेके आ गया। तो मुझे अपने नेताओं पर बड़ा विश्वास है, मुझे उस सिंधिया जी पर बड़ा विश्वास है और पूरा चला जानता कि रात के